श्री मार्केटिंग दे रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम पर 40% तक का डिस्काउंट। 9829072724। लंपी वायरस से ग्रसित गायों को इलाज मुहैया कराने को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान आरएलपी जिला अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह रावत व शहर अध्यक्ष आशीष सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता दो लंपी संक्रमित गायों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन कर सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही आरएलपी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट अंशदीप को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जिस प्रकार से गौ माता की हालत हो रही है और सरकार चुप है, ये बड़ी निंदनीय और चिंता का विषय है। सरकार विदेशों से चीते मंगवा रही है जो मांस का भक्षण करने वाले हैं, लेकिन दूध देने वाली गाय के लिए इनके दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। इनके मुंह से एक शब्द तो ही नहीं निकल रहा। आज गहलोत ओलंपिक करवाने में मस्त है और मोदी जी चीते लाने में व्यस्त हैं। इनके बड़े बड़े MLA सांसद विधानसभा हो चाहे लोकसभा, वहाँ पर गौ माता के लिए एक शब्द तक नहीं बोले। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी एक पहला ऐसा सांसद है जिसने लोकसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया था, लेकिन फिर भी सरकारों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज गौ माता सड़कों के ऊपर लावारिस मौतें मर रही है, भूखे प्यासे मर रही है। कुछ गौ भक्त है जो गौ माता की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, जो उनकी मेहनत से आज कुछ गौ माता सुरक्षित रही, लेकिन फिर भी सरकार उनके सहायता के लिए किसी भी प्रकार से आगे नहीं आ रही है। गौ माता इतनी कमजोर हो गई है कि उनकी पोषाहार तक नहीं मिल रहा है, गौशाला के अंदर अनुदान नहीं है और गौ भक्तों को एक रुपए की भी मदद नहीं है। आज इस हालात के अंदर सरकार को लोग कोसेंगे नहीं तो क्या करेंगे, जब गौ माता सड़कों पर बैठी बैठी अपनी दम तोड़ रही है। अधमरी गायों को कुत्ते नोच रहे हैं, लाशें सड़ान मार रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे और वहाँ से मंत्री निकल के चले जाते हैं चुपचाप देखकर, लेकिन गौ माता के लिए एक शब्द नहीं बोलते। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो गौ माता के नाम से राजनीति में आए हैं और गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, वो कान खोल के सुन ले। आज गौ माता जब तड़प रही है तो तुम AC के कमरे में बैठकर मौज कर रहे हो, मजे ले रहे हो। ये वक्त है तुम्हें बाहर निकलने का, गौ माता के लिए कुछ करने का। यदि गौ माता के लिए आप समय रहते नहीं चेते तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से जयपुर कूच की भी तैयारी करेंगे और इस सरकार की आंखें भी खोलेंगे कि आप समय रहते चेत जाइए, गौ माता को बचाइए। कभी ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ियां गौ माता को देखने के लिए तरस जाए और गौ माता दुखी और पीड़ित होकर यहाँ सड़कों पर दम तोड़ ले। शुद्ध पानी के लिए कई वर्षों से गारंटी का साथी, 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग दे रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम पर 40% तक का डिस्काउंट। इन शानदार ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा वैशाली नगर अजमेर 9829072724। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन, दिनांक 1-2 अक्टूबर 2022, स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर, समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637। 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए बेमिसाल डील, जहां आपको मिलेंगे एक चिमनी के साथ 5 फ्री ऑफर, जिसमें 4 बर्नर का चूल्हा, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, लाइफ टाइम वारंटी, इंस्टॉलेशन फ्री, साथ ही होम डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर। इन ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा वैशाली नगर अजमेर 9829072724। त्योहारों के सीजन में 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है माँ एक्सचेंज ऑफर 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए। आपको मिलेंगे पुराने चूनों के बदले 40% तक का डिस्काउंट। इन ऑफर का भरपूर फायदा उठाने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराया वैशाली नगर अजमेर 9829072724।